हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोग मौजूद है हयात किचन में, तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ, बहुत अच्छी, बहुत क्विक और टेस्टी बनती है। तो हम बनाएंगे चने की सैलड, ठीक है, चिक पीस सैलड बनाएंगे। तो ये मेरे पास है 2 कप बॉयल किए हुए चने हैं मेरे पास, ये मैंने टिन के मैंने डाले हैं बॉयल किए हुए, ऑलरेडी तैयार रेडीमेड। अगर आपको फ्रेश बनाने हैं तो आप फ्रेश इस तरह करें, रात को जो है थोड़े से पानी में और उसमें थोड़ा सा सोडा डाल के तो आप भिगो दें रात को, ठीक है। तो मैंने तैयार लिए हैं, तो ये 2 कप मेरे मैंने जैसे कि आपको बताया, आप दोबारा बता रहे, 2 कप मेरे पास बॉयल चने हैं और ये सारे मसाले मेरे पास हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूँ, मेरे पास ये मसाले हैं, ये मैं आपको बता दूं, 1/2 टीस्पून मेरे पास ये पिसा हुआ भुना हुआ जीरा है, घर का बना हुआ भुना हुआ, 1/2 टीस्पून मेरे पास क्रश्ड चिली है तो सूखी हुई, और 1/2 टीस्पून मेरे पास आमचूर पाउडर है, मैंगो पाउडर, और 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर है मेरे पास, और 1/2 टीस्पून काली पेपर है मेरे पास, ब्लैक पेपर पीसी हुई, इसको भी मैंने क्रश किया हुआ, ज़्यादा चूरा नहीं किया, तो ये ब्लैक पेपर है मेरे पास 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ये मेरे पास पेपरिका पाउडर है, ठीक है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और ये दूसरी चीज़ें भी मैं आपको दिखा दूँ जो इसमें डलने लगी है शुरू में। मेरे पास छोटी साइज़ की प्याज है, ये वाली प्याज है मेरे पास छोटी साइज़ की, जिसको मैंने बारीक बारीक काट ली है, ठीक है। और ये मस्टर्ड सीड्स हैं मेरे पास, रायदाना है 1/2 टीस्पून, रायदाना है मस्टर्ड सीड्स, और ये 1/2 टीस्पून मेरे पास साबित ज़ीरा है ये, ठीक है। तो चले ये शुरू करते हैं। और अब मैं एक पैन लूँगी, पैन को मैं गर्म करूँगी, इसमें अब मैं ढलने लगी हूँ 3 टेबल स्पून, हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है इसमें। तो अब मैंने जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताई तो वो मैं डालने लगी हूँ इसमें, और ये आपको मैं बताना भूल गई, सॉरी। साथ में हम ये भी इस्तेमाल करेंगे, टमाटो प्यूरी, ये देख लें, ये टमाटो प्यूरी है, तो ये भी हमने इस्तेमाल करनी है, थोड़ी सी ये भी हम डालेंगे इसमें। तो शुरू में भी मैंने 3 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ रायदाना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 1/2 टीस्पून मैं इसमें रायदाना डालूँगी और साबित ज़ीरा डालूँगी। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे, जब ये खुशबू आने लगेगी तो फिर इसमें हम चने ऐड कर लेंगे। तो बस तेल भी हमारा गर्म हो गया है, बस ये थोड़ी सी खुशबू आने लगे, भून जाए थोड़ा सा, हमारे रायदाना है और ज़ीरा है सफ़ेद, तो बस इसको भून लेना है। ये देखिए, ये बस भून गया है। अब मैं इसमें डालूंगी बॉईल किए हुए चने, 2 कप चने हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 2 कप चने हैं, तो इसमें मैंने 2 कप चने मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है। ये चनों को हमने फ्राई कर लिया, और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ थोड़ा, ये मसाले जो मैंने आपको बताए थे इंग्रेडिएंट्स में, अभी वो सारे मसाले हमने ऐड कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको गार्लिक पाउडर ज़्यादा पसंद है तो कई बात नहीं, आप ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि किसी को पसंद होता है ज़्यादा, किसी को नहीं होता, तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून
गार्लिक पाउडर डाला था, ड्राई गार्लिक पाउडर। तो अगर आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, या आप स्किप कर सकते हैं पाउडर को और फ्रेश गार्लिक जो है वो भी डाल सकते हैं। चलिए इसको हमने थोड़ी देर के लिए भून लेना है, इतना भूनना है कि ये मसालों की जो खुशबू है वो आने लगे और कच्चापन जो है ये ख़त्म हो जाए। चलिए ये मसाला जो है हमारा भून गया है, मैंने सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूना है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ये जो मैंने बारीक बारीक प्याज काटी थी वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ी सी। तो ये प्याज मैं इसलिए आखिरी में डाल रही हूँ क्योंकि इसको हमने सॉफ्ट करनी है, इसको ज़्यादा पकानी नहीं है, बस थोड़ी सी बस नरम हो जाए। तो साथ में मैं नमक भी डालने लगी हूँ। वैसे तो मैंने चनों में मैंने बॉईल किए थे तो थोड़े से मैंने इसमें डब्बे के थे तो ये बॉईल तो नहीं किए लेकिन डब्बे के थे बॉईल किए हुए, तो उसमें थोड़ा सा तो नमक होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और नमक डालने लगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। और अगर आप अगर बॉईल कर रहे हैं चने तो उसमें आप फिर डाल सकते हैं, बॉईल करने के साथ ही आप नमक डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको और कम लग रहा है तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो चले ये अब मैं थोड़ी देर के लिए और भूनूंगी क्योंकि मैंने इसमें प्याज डाली है, तो थोड़ी सी प्याज को हमने सॉफ्ट कर लेना है। चले देखें हमारी प्याज भी जो है तकरीबन सॉफ्ट हो गई है, सिर्फ इतनी सी सॉफ्ट करनी है, देखें नज़र भी आ रही है। तो चले ये हो गई है, सॉफ्ट हो गई है और मसाला भी हमने थोड़ी देर के लिए और भून लिया इसके साथ, तो ये तैयार है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ये टमाटो प्यूरी, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था टमाटो प्यूरी, ये देख लिया आप, ये टमाटो प्यूरी है। तो ये मैं इसमें डालने लगी हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैंने टमाटो प्यूरी डाल दी है। अब इसको भी थोड़ी देर के लिए हमने भूनना है। चले इसको थोड़ी देर के लिए हमने भून लिया है। ये हमारा मसाला और ये जो टमाटो प्यूरी मैंने डाली थी वो भून गई अच्छे से। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख छोड़ देंगे। चलो को ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको हाथ लगा के कि ठंडे हो गए हैं या नहीं। तकरीबन ये ठंडे हो जाने चाहिए क्योंकि फिर इसमें जो है हम सैलेड की जो चीज़ें हैं वो ऊपर से मैं ऐड करूंगी, तो इसलिए चने हमने ठंडे ही लेने हैं, गरम नहीं लेने हैं। अगर गरम डालोगे आप तो आपका वेजिटेबल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, क्रंची नहीं रहेगा, इसलिए चनों को अच्छे से नरम ठंडा कर लीजिए, ठीक है। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट तक ठंडा रहने दीजिए, या फिर आप चेक कर लीजिएगा कि ठंडे हो गए हैं इतनी देर में या नहीं। तो चलो मैं भी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चने जो है हमारे वो तकरीबन ठंडे हो चुके हैं और अब मैं शामिल करने लगी हूँ जो चीज़ें, तो वो मैं आपको दिखा दूँ। ये मैंने ली है दरमियानी साइज़ की प्याज ली है एक, मैंने वो उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिए छोटे छोटे पीसेस में, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक काट कर, तो वो मैंने पीसेस में काट लिए हैं। 3 टेबल स्पून मैंने पेपर डाले हैं, ग्रीन पेपर भी हैं साथ में और रेड भी है, मिक्स है और येलो है, सॉरी ग्रीन और येलो है, आपकी मर्ज़ी, अगर आपको जो कलर पसंद है आप वो डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, इसका कोई वो मसला नहीं है।
और ये 3 टेबल स्पून मैंने एवोकाडो डाला है, फ्रेश एवोकाडो है वो मैंने काटा है बारीक बारीक चॉप्स। और ये एप्पल है, ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल, दो कलर में मैंने ये छोटे छोटे चॉप्स 3 टेबल स्पून मैंने ये काट लिए हैं। और ये है मेरे पास कैरेट, गाजर है मेरे पास जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ठीक है, ये भी 3 टेबल स्पून है। और ये मेरे पास क्यूकम्बर है, क्यूकम्बर को भी मैंने, खीरे को भी मैंने जो है छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल पीसेस में मैंने काट लिए, 3 टेबल स्पून ये है। और 3 टेबल स्पून मेरे पास फ्रेश टमाटर है, ठीक है, फ्रेश टमाटो है 3 टेबल स्पून। और ये अनारदाने हैं, तो 3 टेबल स्पून ये मैंने अनारदाने मैंने छीले हैं तो वो भी है, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ें अब हम इसमें एक बोल लेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। ये इसका मसला नहीं है वेजिटेबल, ये जो भी आपको पसंद है, जो वेजिटेबल आप खाना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, आप वो सारे वेजिटेबल इसमें मिक्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने डाला है वही आप डालें, जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल तो ऐसी चीज़ है ना कि सैलड में, सैलड की चीज़ें जो भी हम जितनी भी डालें उतनी ही कम लगती हैं और इतनी ही जो है मज़े की कम लगती हैं। तो ये अगर ज़्यादा भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं है, और जो मिक्स खानी है वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये सारी वेजिटेबल घर में मौजूद थी, तो सैलड में चीज़ें ये मैंने, इसलिए मैंने ये सारी डाल दी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप और भी इसमें वेजिटेबल मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सैलड हमारी मिक्स मैंने कर ली है सैलड, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चने, जो हमने चने ठंडे किए थे तो वो चने अब मैं इसमें डालने लगी हूँ, ठीक है। ये देखिए तकरीबन हमारे ठंडे हो गए हैं, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चने। चनों को ठंडे करके डालना है, ये बात आप मत भूलिएगा। ये मैंने चने भी डाल दिए हैं, अब मैं इसको दोबारा जो है मिक्स कर दूंगी। ये मैंने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ऊपर से जो चीज़ डालूंगी वो मैं आपको, चले वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून मेरे पास ऑलिव ऑयल है जी, और इसमें मैंने क्रश गार्लिक डाला है फ्रेश, जिसको मैंने कूट लिया है उसको मोटा मोटा, वो मैंने डाला है। और उसको मैंने ऑयल के साथ मैंने ये फ्रेश गार्लिक डाल के, तो इसको मैंने माइक्रोवेव में 2 to 3 मिनट मैंने इसको जो है गर्म कर लिया अच्छे से, ताकि गार्लिक की जो है स्मेल भी निकल जाए, बदबू भी निकल जाए, और तेल का जो हमारा कच्चापन है वो भी हमारा जो है ख़त्म हो जाए। चले ठीक है, तो अब मैं इसमें डालूँगी इस ऑयल में, ये मेरे पास हैं हर्ब्स हैं, मिक्स हर्ब्स हैं मेरे पास, ये मैं डालूँगी इसमें ऑयल में। ये देखिए ये मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा, और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ये मस्टर्ड, ये फ्रेश मस्टर्ड जो है वो बोतल में आता है होल ग्रेन, आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा भी हुआ है होल ग्रेन मस्टर्ड, तो ये मैं इसमें डालूंगी। सॉस मस्टर्ड सॉस है वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा ये ऐसा है ना कि इसको ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा डालने से इसमें कड़वापन आ जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बहुत होता है, तो एहतियात से डालिएगा आप। और कोई बात नहीं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो फिर आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए ये 1/2 टीस्पून मैंने इसमें मैंने ये डाल दिया, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल के साथ। ये मैंने मस्टर्ड सॉस को भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है, अब हम इसको ऊपर से डालेंगे, ठीक है। चलो ये भी मैंने डाल दिया साथ में, ड्रेसिंग जो मैंने अभी आपके सामने रेडी की है ये ड्रेसिंग भी हम डाल देंगे साथ में, ये सबसे आखिर में डालनी है आपने, ठीक है। और ये मेरे पास इमली का जो है वो चटनी है, ये भी मैं घर में बनाती हूँ इमली की चटनी, तो ये घर में रेडी की हुई है मैंने, तो ये मैं इसमें 3 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। लेकिन ये ज़्यादा वो खट्टी नहीं है, क्योंकि मैं इसमें गुड़ भी डालती हूँ इसलिए ये ज़्यादा खट्टी नहीं होती है।
और अगर आपके पास चटनी नहीं है घर की बनी हुई तो कोई बात नहीं, आप इमली का जूस ले लें, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें, वो डाल सकते हो। और अगर आपको शुगर वाली नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही थोड़ा सा इमली का जूस बना के वो डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, अगर पसंद है तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ जिस तरह बनती है हम वैसे ही ट्राई करें, अगर घर में कोई चीज़ नहीं है तो हम स्किप भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए ये अब मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये मस्टर्ड सॉस है जो वो थोड़ा वो होता है स्ट्रोंग होता है, तो इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हमारी चिक पीस सैलड जो है वो रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आखिरी में मैं जो चीज़ खाने लगी हूँ वो मेरे पास है क्रूटोन, ठीक है। ये देखिए ये वाले क्रूटोन है मेरे पास, सी सॉल्ट है मेरे पास और ब्लैक पेपर के हैं, ठीक है, क्रूटोन। तो आप देख लें, ये आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि पेपर वाले ही आप डालें, इसमें दूसरे भी फ्लेवर मिलते हैं, चीज़ वाले भी मिलते हैं, इसमें चीज़ी भी आते हैं, उसमें स्पाइसी भी आते हैं, जिस तरह के आपको क्रूटोन पसंद है आप वो डाल सकते हैं। चलिए आखिर में मैं इसके ऊपर ये क्रूटोन डाल दूँगी,